बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का बर्थडे 8 दिसंबर को होता है। शर्मिला टैगोर के 8 दिसंबर को रणथंभौर में मनाए जाने वाले जन्मदिन से पहले नवाब परिवार कुछ दिन साथ बिताने के लिए पटौदी पैलेस में इकट्ठा हुआ है। बता दें कि इसके बाद नवाब परिवार राजस्थान के रणथंभौर जाएंगे। पैलेस में शर्मिला टैगोर की बेटी सोहाली खान अपने पति कुणाल खेमू और बेटी के साथ 30 नवंबर को ही पटौदी पैलेस पहुंच गई थीं, जबकि शर्मिला टैगोर मंगलवार को अपने बेटे सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान और बेटे तैमूर अली खान के साथ बुधवार को पटौदी पैलेस पहुंच जाएंगे। वो सभी 7 दिसंबर को पटौदी से रणथंभौर के लिए रवाना होंगे, जहां शर्मिला टैगोर का जन्मदिन मनाया जाएगा। वहीं 20 दिसंबर को सैफ और करीना के बेटे तैमूर अली खान का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन नवाब परिवार पटौदी पैलेस में मनाएंगे, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर बता दें कि आश्रम हरि मंदिर संस्थाओं के संचालक महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने भी पैलेस जाकर नवाब परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने संस्था के अप्रैल में होने वाले शताब्दी वर्ष में सम्मिलित होने का भी न्योता दिया है। इसी दौरान सैफ अली खान ने अपने परिवार के साथ मिलकर अच्छा वक्त बिताया और पैलेस के स्विमिंग पूल में नहाने का आनंद भी लिया। सैफ ने पैलेस में बने अपने जिम में भी खूब पसीना बहाया। इन तस्वीरों में सैफ और करीना बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि सैफ और करीना अपने पूरे परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। पत्रिका.com के लिए नेहा गुप्ता की रिपोर्ट।